छोटे पर्दे के मशहूर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़ी एक बहुत ही दुखद और दिल को दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। इस लोकप्रिय धारावाहिक में नट्टू काका का चर्चित किरदार निभाने वाले अभिनेता घनश्याम नायक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे और आखिरकार रविवार शाम को उनका निधन हो गया। घनश्याम नायक एक शानदार अभिनेता थे और उनके निधन से फैंस को एक तगड़ा झटका लगा है। 77 साल की उम्र में घनश्याम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें कि वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और आखिरकार इस जानलेवा बीमारी के आगे वो जिंदगी को हार बैठे। लाखों करोड़ों आंखों को नम कर नट्टू काका चले गए। साल 2020 में घनश्याम नायक की गले की सर्जरी हुई थी। डॉक्टर्स ने बताया कि अभिनेता के गले से 8 गांठें निकाली गई थीं। इस दौरान उन्हें अपने काम से भी लंबा ब्रेक लेना पड़ा था। इस सर्जरी के बाद उनकी हालत में सुधार देखने को भी मिला था, जबकि कुछ महीनों बाद उन्हें कैंसर होने की जानकारी मिली। घनश्याम को और फैंस को उस समय बहुत ही बड़ा झटका लगा जब उन्हें कैंसर होने के बारे में पता चला। इस साल अप्रैल महीने में घनश्याम अपने इस बीमारी से वाकिफ हुए। उसके बाद तत्काल उनके कैंसर का इलाज भी शुरू किया गया। लगातार कई महीनों से वे उपचाररत थे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीते कुछ महीने से नट्टू काका की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। कुछ सप्ताह पहले उनका ऑपरेशन भी हुआ था, जबकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। ऑपरेशन के बाद सामने आई तस्वीरों में उनकी हालत काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी और फैंस की तस्वीरें देखकर दिल टूट गया था। घनश्याम नायक ने अपना ऑपरेशन होने के बाद अपनी अंतिम इच्छा भी जाहिर की थी। उनकी आखिरी ख्वाहिश जानने के बाद फैंस काफ़ी भावुक हो गए। नट्टू काका ने अपनी अंतिम इच्छा के बारे में बात करते हुए कहा था कि वो आखिरी सांस तक काम करना चाहते हैं। उनके मुताबिक वो मेकअप पहने हुए इस दुनिया को अलविदा कहना पसंद करेंगे, जबकि घनश्याम की ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। बता दें कि घनश्याम नायक टीवी के एक बहुत ही मशहूर अभिनेता थे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उनके काम को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। वो एक लंबे समय से हास्य पर आधारित इशो से जुड़े हुए थे। टीवी के साथ ही घनश्याम ने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।